नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अभी कौन कौन सी स्टेट में भर्ती चल रही है और कैसे आप अपनी स्टेट की भर्ती जान सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल देने जा रहा हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट टाइम पे मिल सके। अगर मैं कोई भी भर्ती बताता हूं तो उसका अपडेट अगर पाना चाहते हैं फ्री में, तो ये सब्सक्राइब करना जरूरी है। ये रहा सब्सक्राइब का बटन, जरूर दबाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल आप लोगों को बता दूं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajayaka.in के ऊपर जितनी भी है वो मैंने सारी अपडेट कर दी है, लेकिन आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट से कैसे जान सकते हो वो भी हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जल्दी से ये जान लेते हैं कि अभी कौन कौन सी भर्ती जो है वो चल रही है। अंडमान निकोबार बार की जो लास्ट डेट 5 नवंबर 2018 है, इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकती थी अंडमान निकोबार की, तो अगर कोई अंडमान से है तो भाई अप्लाई कर लेना। इसी के साथ दोस्तों, असम में जो है 4 अक्टूबर से भर्ती स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट 17 नवंबर 2018 है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है वो है चाचर, दिमाहासू, करमेंगंज और हली कंडी कुछ करके है। अरुणाचल प्रदेश में भी आपको डिस्ट्रिक्ट मैंने सभी बताई हुई थी, 21 सितंबर से ये स्टार्ट हुई थी, लास्ट डेट 4 नवंबर 2018 है। एक चीज सबसे जरूरी मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, मैं आप लोगों को ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे यहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ जिसको ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है वो इस पेज पे बिल्कुल नीचे आ जाइएगा और यहां से ऑनलाइन अप्लाई करना इस वीडियो को देखकर सीख सकता है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएगी। और जिसको क्वालिफिकेशन जाननी है, एज लिमिट जाननी है, वो ये वीडियो देख लेना, इसमें सारी पोस्टों की क्वालिफिकेशन एज लिमिट आपको मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम फिर से भर्ती की तरफ, कौन कौन सी भर्ती अभी हमने देख ली है और उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी भर्ती हमारी रह गई है। तो असम के बारे में आप लोगों को बता दिया, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता दिया, आगे हम भर्ती देख लेते हैं कौन सी जो है अभी चल रही है। अभी अगर हम भर्ती की बात करें तो दोस्तों, गोवा, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 21 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर 2018 तक इसके एडमिट कार्ड आएंगे, लास्ट डेट 20 नवंबर 2018 है। तो नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा के जो लोग हैं वो लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और किसी डिस्ट्रिक्ट की तरफ देख लेता हूं। आप लोग देख सकते हो काफी सारी भर्तियां अभी तो एक्सपायर भी हो चुकी हैं, लेकिन जितनी भी हैं वो मैं सारी आपको आज यहां पे बता दूंगा। हिमाचल प्रदेश की भर्ती जो है 13 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, खत्म हो जाएगी 27 दिसंबर 2018 को। तो जो लोग इंटरेस्टेड है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कवर की गई है वो है हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना। अब बात करते हैं अगली भर्ती की, तो दोस्तों यहां पे पंजाब में भी भर्तियां स्टार्ट है, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, जलंधर, होशियारपुर में, जिसकी लास्ट डेट 16 नवंबर 2018 है। नोटिफिकेशन का ये रहा लिंक। अगली भर्ती अगर हम बात करें तो यहां पे आप लोगों को कर्नाटका की देखने को मिलेगी, जिसके अंदर काफी सारी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बगलौत है, विजयपुर है, दरबार है, उत्तराखंड है, दक्षिणा है, कंडंडा है, उदयपुर है, देवनगरी है कुछ करके, गदाग है, हवेरी है, चिकमगलूर है और शिवामोगा है। इसमें पोस्ट नेम की अगर बात करें, सिपाही, फार्मा, हवलदार, शुगर कार्टोग्राफर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, रिलीजियस टीचर की ये पोस्टें हैं। इसकी लास्ट डेट 4 दिसंबर 2018 है। जो लोग इंटरेस्टेड है जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसी तरह कर्नाटका में और भी कुछ भर्तियां चल रही है, जैसे कि बेंगलोर अर्बन, बेंगलोर रूरल, तमूरकर, मध्य मैसूर, बलेरी, चमरगंज और रंगनगंज कुछ कर है, कोदाग है, गोलाग है और चिकलबपुरा है, हसन है एंड चितार दुर्ग है। इसकी लास्ट डेट 4 दिसंबर 2018 है। आगे हम बात करें अगर भर्ती की, तो दोस्तों आपको एक और भर्ती देखने को मिलेगी, वो है बगलोट, जो मैंने अभी ऊपर बताई, कर्नाटका की बगलोट, विजयपुरा, दरबार, उत्तराखंडा, दक्षिणाखंडा, उदयपुर, देवनगरी, गदाक, हवेरी, चिकुलमुन, ये शायद मैंने ऊपर भी बता दिया, इसकी भी लास्ट डेट 4 दिसंबर 2018 ही है। फिर आगे हम बात करें बेंगलोर अर्बन, उगलन, तो ये कुछ जो पोस्टें आपको बार बार देखने को मिल रही है, इसमें सिपाही, फार्मा, कर्नाटका, अलग अलग पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। आगे हम बात करते हैं अगली पोस्ट की, तो यहाँ पे केरला में अगर लोगों को भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें सिपाही, फार्मा, हवलदार, शूरवीर, ऑटोमेटिक ग्राफर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, रिलीजियस टीचर की जो पोस्टें हैं वो मिल जाएंगी। 4 दिसंबर से अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए है। अब हम आगे अगर भर्ती की बात करें तो यहाँ पे आपको जो भर्ती देखने को मिल रही है वो हमारी भर्ती है, चलिए 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 आगे चल पड़ते हैं हम महाराष्ट्र की। ये तो आप लोग अप्लाई कर सकते थे 4 नवंबर तक, ये भी अब खत्म होने को आ गई है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सोलापुर, सितारा, सिंगारी और रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग करके है। लास्ट डेट इसकी 20 नवंबर 2018 है, जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगली अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में भर्ती है अलवर, दुसाई, सवाई माधोपुर में, जिसकी डेट एक्सटेंड हुई है 4 दिसंबर 2018 तक। आगे हम बात करें राजस्थान में ही आपको झुंझुना और चुरूचुरू की भर्ती जो है मिल जाएगी, जिसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर 2018 है। आगे हम भर्ती की बात करें तो दोस्तों मुझे कोई भी अभी तक कोई भर्ती नहीं मिल रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ उत्तर प्रदेश में भर्ती आपको मिल जाएगी, जिसमें अलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, बस्ती, फैजियाबाद, कशुलंबी, कशुनगर, महाराजगंज है, प्रतापगढ़ है, रेबरेली है और संत कबीर नगर है, सिद्धार्थ नगर है, सुल्तानपुर है। इसकी लास्ट डेट 16 नवंबर 2018 है। तो ये जो मैं डिस्ट्रिक्ट के नाम ले रहा हूँ, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है और यहीं अप्लाई
कर पाएंगी, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे उत्तर प्रदेश में आपको और भी डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाएंगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बचराइच है, बलरामपुर है, बरेली है, बुदान है, फरुखाबाद है, हरदोई है, लखनपुर खेरी है, फिलबित है, संभाल है और शाहजहांपुर है, शरवस्ती है एंड सीतापुर है। इसके लिए लास्ट डेट दोस्तों आपको 24 नवंबर है, लेकिन इसमें पोस्टें जो है सोल्जर, जनरल ड्यूटी, टेक्निकल सोल्जर, तकरीबन सारी पोस्टें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगली भर्ती की अगर हम बात करें तो चलिए नीचे देख लेते हैं अभी कौन कौन सी बची हुई है। उत्तराखंड में बची है अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल में, 9 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। उत्तराखंड में आपको चंबात और पिथौरागढ़ की भी मिल जाएगी, 8 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। वेस्ट बंगाल में आपको कोई भर्ती अभी नहीं मिलने वाली है। तकरीबन दोस्तों जितनी भी भर्तियां अभी चल रही हैं वो सारी की सारी मैंने बता दी हैं। अब हम ये सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं कि भर्ती कब आएगी और कैसे आएगी। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये जो joinindianarmy.nic की वेबसाइट है गूगल से सर्च करके आप आ सकते हैं, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। बस यहां पे आने के बाद आप लोगों ने रैली प्रोग्राम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा, आपको रैली की साइट पूछी जाएगी, यानी कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी जैसे कि ये है। तो बस आप लोगों ने यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ हिमाचल प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट नहीं भी सिलेक्ट करोगे तो चल जाएगा, बस यहाँ पे सर्च कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट बता देगा, अगर तो जीरो बताएगा तो मतलब अभी भर्ती नहीं है। जैसे इसने अभी यहाँ पे बता दिया बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना की भर्ती अभी चल रही है, जिसकी एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी 27/12/2018 को। तो जो लोग इंटरेस्टेड है जल्दी से अप्लाई कीजिए, इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह से अपनी भर्ती देख सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे पता है मैंने बहुत जल्दी से आपको बताने की कोशिश किया, लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारा का सारा कंटेंट एक ही वीडियो में कवर कर लूं। ओके फ्रेंड्स, मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोई भी सवाल होगा तो कमेंट के जरूर बताएगा। बाकी आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पे जुड़ सकते हैं, सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?